हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो है एक ऐसे आइलैंड के बारे में जिसे दुनिया नो रिटर्न आइलैंड के नाम से जानती है। दोस्तों, केनिया के रुडोल्फ झील के पास स्थित एक आइलैंड को दुनिया नो रिटर्न आइलैंड के नाम से जानती है। इस आइलैंड का नाम कई खौफनाक वजहों से पड़ा है और कहा जाता है कि यहाँ जाने वाला कभी लौट कर वापस नहीं आता। इस आइलैंड के चारों तरफ सिर्फ आदिवासियों का कबीला रहता है और ये लोग कभी भी इस आइलैंड पर नहीं जाते हैं। स्थानीय आदिवासियों के अनुसार इस खतरनाक आइलैंड पर भी उनकी तरह पहले आदिवासी लोग ही रहते थे और वो लोग आइलैंड से बाहर आकर फिशिंग करते और दूसरे कबीलों के लोगों से भी मेलजोल करते थे। अचानक वहाँ के लोग एक दिन गायब हो गए। इसके बाद जो भी उनकी खोज में उस आइलैंड पर गया कभी वापस नहीं आया। सबसे हैरानी की बात यह है कि आइलैंड घने जंगलों वाला है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ कोई जानवर या पक्षी नहीं रहता है। आदिवासी लोगों का दावा है कि अमावस्या की रात इस आइलैंड से ऐसी भयानक आवाजें आती हैं कि वो लोग सो नहीं पाते। आदिवासियों का मानना है कि उस आइलैंड पर अब दैत्यों का कोई समूह रहता है जो रात में नाश्ता खाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।